हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई शानदार से चल रही होगी। और ये जो हम आज जिस चीज़ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, करेंट अफेयर्स का वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, जिसे अपकमिंग अभी 68वीं BPSC है दोस्तों, बिहार CGL एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है दोस्तों, फिर बिहार दरोगा दोस्तों जो अपने आने वाला दोस्तों, उसके लिए हम करेंट अफेयर्स का एपिसोड बना रहे हैं दोस्तों मंथली वाइज। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो शेयर और कमेंट और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और तब हम इससे आगे भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों। आज नवंबर महीने का करेंट का हम वीडियो बना रहे थे, PD का है दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण का दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों को जैसा कमेंट कीजिएगा उस तरह से हम आगे इस पर वीडियो बनाएंगे दोस्तों, करंट अफेयर्स पर, जैसे आज हम नवंबर का बना रहे हैं दोस्तों। स्पीडी है दोस्तों, एक नवंबर 2022 को स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हुआ दोस्तों? जमशेद जी ईरानी का दोस्तों। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, एक नवंबर 2022 को स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हुआ? जमशेद जी ईरानी को दोस्तों। एक नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया दोस्तों? राजस्थान में दोस्तों। एक नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां, कहाँ स्थित है दोस्तों? रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। एक नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना? उत्तर प्रदेश। तो एक नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। एक नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। एक नवंबर 2022 को 2022 में मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीती है दोस्तों? मैक्स वेस्टर्पन ने दोस्तों। किसने जीता? मैक्स वेस्टर्पन ने दोस्तों। एक नवंबर 2022 को SCO शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया दोस्तों? डॉक्टर एस जयशंकर ने दोस्तों। किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर ने दोस्तों। एक नवंबर 2022 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया दोस्तों? पुडुचेरी ने दोस्तों। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया दोस्तों एक नवंबर को? तो पुडुचेरी है दोस्तों। चलिए दो नवंबर का देखते हैं। दो नवंबर 2022 को फीफा 2022 में किसने भारत का एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों? रणवीर सिंह को। दो नवंबर 2022 को फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों? रणवीर सिंह को। चलिए नेक्स्ट देश में देखते हैं। दो नवंबर 2022 को किस देश ने अपनी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लेब मॉड्यूल लॉन्च किया दोस्तों? चीन में दोस्तों। दो नवंबर 2022 को किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैगटियन नामक लेब मॉड्यूल लॉन्च किया? चीन ने दोस्तों। दो नवंबर 2022 को किस कंपनी ने AL अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया दोस्तों? गूगल ने दोस्तों। दो नवंबर 2022 को किस कंपनी ने AL अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया दोस्तों? गूगल ने। दो नवंबर 2022 को किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया दोस्तों? स्पेस एक्स दोस्तों। दो नवंबर 2022 को किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने दोस्तों। दो नवंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से नवाजा गया दोस्तों? बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, UCG ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने की निर्देश दिया दोस्तों? 11 दिसंबर को।
यूसी जी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया? 11 दिसंबर को दोस्तों। 3 नवंबर 2022 को कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया दोस्तों? सूर्य कुमार यादव। भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया दोस्तों, सूर्य कुमार यादव है दोस्तों। 3 नवंबर 2022 को कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर, कॉलिन डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया दोस्तों? 3 नवंबर को पर मार्किसिस को दोस्तों, पारा परमा क्राइसिस को दोस्तों, इसको चुना गया दोस्तों, परमा क्राइसिस को। 3 नवंबर 2022 को किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? अजय सिंह को दोस्तों। 3 नवंबर 2022 को किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के रूप में नियुक्त किया दोस्तों? अजय सिंह को। 3 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया दोस्तों? टाटा स्टील ने दोस्तों, किसने किया? टाटा स्टील। 3 नवंबर 2022 को FICCI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए दोस्तों? सूर्यकांत पांडा दोस्तों। 3 नवंबर 2022 को FICCI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए दोस्तों? सूर्यकांत पांडा दोस्तों। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की दोस्तों? 3 नवंबर को दोस्तों। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की दोस्तों? 3 नवंबर को। 4 नवंबर को इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों। कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों। 4 नवंबर को इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों? बेंजामिन नेतन्याहू। 4 नवंबर 2022 को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टर्बाइन स्थापित किया दोस्तों? गुजरात दोस्तों। 4 नवंबर 2022 को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टर्बाइन स्थापित किया? गुजरात ने दोस्तों। 4 नवंबर 2022 को ICC T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने दोस्तों? विराट कोहली। 4 नवंबर 2022 को ICC T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली दोस्तों। चार नवंबर 2022 को किस राज्य में देश का प्रथम मतदाता मतदाता श्याम शरण को नेगी ने मतदान किया? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। इसे देखिए दोस्तों, 4 नवंबर 2022 को किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया? हिमाचल प्रदेश में। 4 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजू थाचन पुरस्कार के लिए चुना गया दोस्तों? ए सेतु माधवन दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 5 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और CM डैश बोर्ड लॉन्च किया दोस्तों? हरियाणा दोस्तों, किसने किया? हरियाणा दोस्तों। मिस्र में COP 27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव दोस्तों। मिस्र में COP 27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? पर्यावरण भूपेंद्र यादव ने दोस्तों। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शिखर पर एक पाठ शामिल किया? आंध्र प्रदेश दोस्तों। 5 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की दोस्तों? जेराड फिक दोस्तों। किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की? जेराड फिक दोस्तों। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया दोस्तों? उत्तराखंड दोस्तों। 5 नवंबर 2022 को भारतीय पुरुष स्क्वेश टीम ने कौन सा पदक जीता दोस्तों? स्वर्ण पदक दोस्तों। 5 नवंबर 2022 को प्रमुख एनटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया दोस्तों? लियोनेल मेसी को दोस्तों। तो दोस्तों, 5 नवंबर 2022 को प्रमुख एडटेक कंपनी
बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया? लियोनल मेसी को। दोस्तों 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया? दोस्तों कर्नाटक सरकार। 5 नवंबर 2022 को किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों अरुणा साईराम। दोस्तों फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों अरुणा साईराम। दोस्तों 6 नवंबर 2022 को किस देश ने वीडियोज उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया? दोस्तों चीन है। दोस्तों इस देश ने वीडियोज उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया? चीन है। दोस्तों 6 नवंबर 2022 को नीवा बुपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की? HDFC बैंक। दोस्तों HDFC फर्स्ट बैंक। दोस्तों 6 नवंबर 2022 को किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया? दोस्तों पोलैंड ने। दोस्तों 6 नवंबर 2022 को मील MEIL ने किस देश में ग्रीन फील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया? दोस्तों मंगोलिया ने। दोस्तों 6 नवंबर 2022 को उदय ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया? दोस्तों आधार मित्र। 7 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। दोस्तों 7 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय कैंसर दिवस। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों 7 नवंबर 2022 को किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीता? दोस्तों मुंबई। दोस्तों हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर। दोस्तों 15 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्री ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? जनजातीय गौरव दिवस। दोस्तों 15 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्री ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस। 7 नवंबर 2022 को दोस्तों एक कैलेंडर वर्ष में 1000वां T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? दोस्तों सूर्य कुमार यादव। 7 नवंबर 2022 को एक कैलेंडर वर्ष में 1000वां T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सूर्य कुमार यादव। दोस्तों 7 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? दोस्तों उज्जैन में। दोस्तों 7 नवंबर 2022 को राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का सम्मान कहाँ हुआ? दोस्तों मेघालय में हुआ। 7 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? दोस्तों गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में। दोस्तों 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? किशोर कुमार वासा। दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? किशोर कुमार वासा। दोस्तों 7 नवंबर 2022 को किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता? दोस्तों केरल में। 7 नवंबर 2022 को प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? दोस्तों स्वर्ण पदक जीता। 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 8 नवंबर को 8 नवंबर 2022 को अक्टूबर माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? दोस्तों विराट कोहली को पुरुष में और एवं निंदा डार को दोस्तों महिला में। 8 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? दोस्तों वाई के सी वाडियार को। 8 नवंबर को विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों ऋतुराज अवस्थी। दोस्तों कौन बने? 8 नवंबर को विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? ऋतुराज अवस्थी। दोस्तों 8 नवंबर 2022 को मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुई? दोस्तों जापान में। दोस्तों 8 नवंबर 2022 को फॉर्बर्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? दोस्तों 3 को। दोस्तों
9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस दोस्तों। 9 नवंबर 2022 को 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? दक्षिण कोरिया दोस्तों। 9 नवंबर 2022 को 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? दक्षिण कोरिया दोस्तों। 9 नवंबर 2022 को फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी दोस्तों? रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों। 9 नवंबर 2022 को पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन बना दोस्तों? केरल बना दोस्तों। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन बना? केरल। 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों? उत्तराखंड को 9 नवंबर को स्थापना दिवस है दोस्तों। 9 नवंबर 2022 को किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया दोस्तों? तमिलनाडु में। 9 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू किया दोस्तों? राजस्थान दोस्तों। 9 नवंबर 2022 को किसे 2022 के लिए बेली के एस फोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुभाष बाबू दोस्तों, डॉक्टर सुभाष बाबू। 9 नवंबर 2022 को कौन सी एयर स्पेस कंपनी भारत की पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? स्काई रूट एयरवेज दोस्तों। कौन है? स्काई रूट एयरवेज। 9 नवंबर 2022 को कौन सी कंपनी एयरो स्पेस कंपनी भारत की पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? स्काई रूट एयरवेज दोस्तों। 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? भारत करेगा। 10 नवंबर 2022 को किस शहर में पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है दोस्तों? वडोदरा ने दोस्तों। 10 नवंबर 2022 को किस देश के क्रिकेटर स्टीफन मायरबर्ग ने संन्यास की घोषणा की? नीदरलैंड दोस्तों। 10 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल निर्माण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? वाराणसी में। 2023 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश दोस्तों। 10 नवंबर 2022 को T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने दोस्तों? विराट कोहली दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दस नवंबर को 2022 में सूचना अनुसार अंजीत अंजुम को किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा दोस्तों? आरफा खानम को। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों। 11 नवंबर को 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वोलोंग मेले का आयोजन किया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। 11 नवंबर 2022 को इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टैंड अवार्ड किसने जीता दोस्तों? हरियाणा दोस्तों। 11 नवंबर 2022 को इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टैंड अवार्ड किसने जीता? हरियाणा दोस्तों। 11 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? टसीगंग है दोस्तों। 11 नवंबर 2022 को किस बैंक ने MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया दोस्तों? कोटक महिंद्रा बैंक दोस्तों। 11 नवंबर 2022 को अरुण मिलर किस अमेरिकी राज्य की उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी? मेरीलैंड की दोस्तों। 11 नवंबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 के पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता दोस्तों? होल्गर रूने दोस्तों। 11 नवंबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता दोस्तों? होल्गर रूने दोस्तों। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? लोक सेवा प्रसारण दिवस दोस्तों। 12 नवंबर 2022 को नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर से बने हैं? स्विट्जरलैंड से दोस्तों। 12 नवंबर 2022 को किसे फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया? पीवी सिंधु दोस्तों। 12 नवंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्य जीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU का हस्ताक्षर किया? कंबोडिया दोस्तों। 12 नवंबर 2022 को किसे यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? वेंकी रामकृष्णन को दोस्तों। किसे सम्मानित किया? वेंकी रामकृष्णन को दोस्तों। 12 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में कंपे घोड़ा की 108वीं फीट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्टेच्यू
ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया दोस्तों, बेंगलुरु। 12 नवंबर 2022 को भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक दोस्तों। 12 नवंबर 2022 को किसे 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है दोस्तों? माधव हांडा और मधु कंकारिया को। किसे मिला? माधव हांडा एवं मधु कंकारिया। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? विश्व दयालुता दिवस दोस्तों। तेरह नवंबर 2022 को जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा दोस्तों? IIT बॉम्बे रहा दोस्तों। 2024 में कौन सा देश U20 वर्ल्ड कप मेजबानी करेगा दोस्तों? श्रीलंका। 13 नवंबर 2022 को एशिया एयरगन चैंपियनशिप में महुली घोष ने कौन सा पदक जीता दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता। 13 नवंबर 2022 को वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बना दोस्तों? भारत बना। 13 नवंबर 2022 को किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोब आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया दोस्तों? शाहरुख खान को। 13 नवंबर 2022 को श्री लाल शुक्ल स्मृति इसको इफ्को साहित्य सम्मान किससे सम्मानित किया दोस्तों? जय नंदन को दोस्तों। 13 नवंबर 2022 को 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किससे सम्मानित किया गया दोस्तों? जय नंदन को दोस्तों। 13 नवंबर 2022 को किस राज्य के गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 70% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया? झारखंड को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पेज दोस्तों। तेरह नवंबर को 2022 को दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे को किस शहर में हरी झंडी दिखाया गया दोस्तों? बेंगलुरु में। 13 नवंबर 2022 को किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभयारण्य अधिसूची किया? तमिलनाडु ने दोस्तों। 13 नवंबर 2022 को किसे ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया दोस्तों? शिव नारायण चंद्रपॉल दोस्तों। किसको? शिव नारायण चंद्रपॉल को दोस्तों। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? विश्व मधुमेह दिवस दोस्तों। 14 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला दोस्तों? भोपाल रेलवे स्टेशन दोस्तों। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? ब्रिटेन। 14 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत दोस्तों। 14 नवंबर 2022 को अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया? मणिपुर में दोस्तों। 14 नवंबर 2022 को भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास 7वां संस्करण कहाँ से संपन्न हुआ दोस्तों? जोधपुर से। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया दोस्तों? 2022 को। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जनजातीय दिवस दोस्तों। 15 नवंबर को 2022 को ब्राजीलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता दोस्तों? जॉर्ज रसेल ने दोस्तों। किसने जीता? जॉर्ज रसेल। 15 नवंबर 2022 को ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यू टीम में फिर शामिल किया गया दोस्तों? विराट कोहली तथा सूर्य कुमार यादव को दोस्तों।
15 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया दोस्तों? झारखंड ने दोस्तों। 15 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार कौन सी कंपनी भारत की पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाई? रिलायंस दोस्तों। 15 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार कौन सी कंपनी भारत की पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाई? रिलायंस। 15 नवंबर 2022 को स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई दोस्तों? नताशा फर्क मशहूर दोस्तों। 15 नवंबर 2022 को स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? नताशा फिरक मशहूर। 15 नवंबर 2022 को 17वीं G20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? बाली इंडोनेशिया दोस्तों। 15 नवंबर 2022 को वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों? मेघालय में। 15 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया दोस्तों? कार्लोस सोरा को दोस्तों। 15 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? कार्लोस सोरा दोस्तों। 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 16 नवंबर को। 16 नवंबर 2022 को किस सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया गया दोस्तों? विवेक जोशी को दोस्तों। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? डेनमार्क रहा दोस्तों। भारत का स्थान 8वां है। और सूचना अनुसार किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की दोस्तों? डेविड वार्नर दोस्तों। 16 नवंबर 2022 को किस देश के धावक कनेथ क्रिपोस रेंजू पर पॉल साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा दोस्तों? केनिया को। 16 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया? मध्य प्रदेश दोस्तों। 16 नवंबर को 2022 को किस देश ने पहली महिला विली जिंग किंग कप जीता? स्विट्जरलैंड दोस्तों। किसने जीता? स्विट्जरलैंड। 16 नवंबर 2022 को शिव नारायण ने एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता। 17 नवंबर 2022 को किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? अरविंद वीरमानी दोस्तों, अरविंद वीरमानी। 17 नवंबर 2022 को किसे चंद्रमा के लिए एक मिशन पर Artemis 1 रॉकेट लॉन्च किया दोस्तों? नासा दोस्तों। 17 नवंबर 2022 को CEC राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया? नेपाल दोस्तों। 17 नवंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया दोस्तों? हल्द्वानी से दोस्तों। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया? हल्द्वानी दोस्तों। और ITTF एथलीट आयोग ने चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने दोस्तों? शरद कमल दोस्तों। 17 नवंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? असम में दोस्तों। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों? कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? भारत दोस्तों। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ? शिलोंग में दोस्तों। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ? शिलोंग में दोस्तों। 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? प्राकृतिक चिकित्सक दिवस दोस्तों। 18 नवंबर को 2022 को किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता दोस्तों? भारत ने दोस्तों। 18 नवंबर 2022 को डॉक्टर CV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? पश्चिम बंगाल का दोस्तों। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाले पहले भारतीय कंपनी कौन बने? विप्रो दोस्तों। 18 नवंबर 2022 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन बना दोस्तों? होमर बना दोस्तों। 18 नवंबर 2022 को 9वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की गई? मुंबई में दोस्तों।
19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस दोस्तों। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस दोस्तों। 19 नवंबर 2022 को किसे IAO की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया? मेरी कॉम को दोस्तों। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एथलीट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया? तमिलनाडु दोस्तों। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया? तमिलनाडु दोस्तों। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी दोस्तों? लॉन्स नायक मंजू दोस्तों। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी दोस्तों? लॉन्स नायक मंजू दोस्तों। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों? त्रिपुरा ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा में डोनीपोल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। सबसे कम उम्र में विश्व नंबर वन ATP खिलाड़ी कौन बने? कार्लोस अल्कराज दोस्तों। बीस नंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को दोस्तों। APEC आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ हुई दोस्तों? बैंकॉक में दोस्तों। भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीते? 25 को दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मैं 600 मेगावाट कामें जल विद्युत परियोजना समर्पित की? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक दोस्तों। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कहाँ में गार्ड ऑफ ऑनर मिला दोस्तों? पेरिस में। किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी? पश्चिम बंगाल दोस्तों। बाईसवें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ दोस्तों? कतर में। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ दोस्तों? गोवा में। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ दोस्तों? गोवा में। 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? विश्व टेलीविजन दिवस दोस्तों मनाया जाता है 21 नवंबर को। 21 नवंबर 2022 को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? दलाई लामा को। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया दोस्तों? दलाई लामा को दोस्तों। ये तिब्बत के हैं। 21 नवंबर 2022 को किसे 2022 का JCB सहित पुरस्कार प्रदान किया दोस्तों? खालिद जावेद को दोस्तों JCB सहित पुरस्कार प्रदान किया गया। किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता? मैक्स वेस्टर्पन ने दोस्तों। किसने छठा ATP फाइनल्स खिताब जीता दोस्तों? नोवाक जोकोविच। किसने ATP का छठा फाइनल्स खिताब जीता? नोवाक जोकोविच दोस्तों। 21 नवंबर 2022 को किस देश ने हॉसोंग सत्रह या मोस्टर मिसाइल लॉन्च की? उत्तर कोरिया दोस्तों। 21 नवंबर 2022 को जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका दोस्तों। भारत का स्थान 61वां है। 21 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की? ओडिशा दोस्तों। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की? ओडिशा ने दोस्तों। किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीता दोस्तों? हरियाणा दोस्तों। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभालते विनीत कुमार दोस्तों। किसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला? विनीत कुमार दोस्तों।
किसे जयपुर फूड यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दानिश मंजूर को दोस्तों। 22 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहार अभ्यास शुरू हुआ दोस्तों? ओमान दोस्तों। 22 नवंबर 2022 को किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों? चिरंजीवी को दोस्तों। 22 नवंबर 2022 को किसे सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उमा शर्मा को दोस्तों। 22 नवंबर 2022 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट को 16 साल की उम्र वोट देने का फैसला सुनाया दोस्तों? न्यूजीलैंड में। 22 नवंबर 2022 को कासिम जोमाट टोकायब को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया दोस्तों? कजाकिस्तान का दोस्तों। कासिम जोमाट टोकायब को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? कजाकिस्तान का दोस्तों। ऑनलाइन फिटेंसी मंच रियल 11 का ब्रांड अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? कुलदीप यादव को। 22 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? शत्रुनाश अभ्यास आयोजित किया गया राजस्थान में दोस्तों। किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? हरियाणा। किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कमाल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रवि कुमार सागर को दोस्तों। कौन सा कनाडा के ब्रेमपटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त हुए दोस्तों? हरकिरत सिंह दोस्तों। 23 नवंबर 2022 को कौन कनाडा के ब्रेमपटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए दोस्तों? हरकृत सिंह दोस्तों। 23 नवंबर 2022 को अनामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ में जंबो ट्रेवल्स लॉन्च किया दोस्तों? कोयम्बटूर में। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना दोस्तों? रूस। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा दोस्तों? 8वां स्थान रहा दोस्तों। शीर्ष स्थान डेनमार्क का है। 23 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया दोस्तों? नागपुर में। एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया? नागपुर में दोस्तों। 23 नवंबर 2022 को किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकथॉन का शुभारंभ किया दोस्तों? योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों। 23 नवंबर 2022 को कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील का हस्ताक्षर किया दोस्तों? चीन। 24 नवंबर 2022 को यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया दोस्तों? रूस। 24 नवंबर 2022 को अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना दोस्तों? तमिलनाडु का। 24 नवंबर 2022 को किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड FIR 5 स्टार नहीं सॉरी दोस्तों FIRSTAP 5 स्टार लॉन्च किया? IDFC फर्स्ट बैंक दोस्तों। किसने किया? IDFC फर्स्ट बैंक दोस्तों। 24 नवंबर 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र में सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया दोस्तों? पूर्णिमा देवी वर्मन को दोस्तों। किसे संयुक्त राष्ट्र ने सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया? पूर्णिमा देवी वर्मन को दोस्तों। मूंगफली महोत्सव कड ले काई परिवेश कहाँ में शुरू हुआ? कर्नाटक में दोस्तों। 24 नवंबर 2022 को भारत ने कहाँ से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया कहाँ किया दोस्तों? उड़ीसा में। संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ दोस्तों? मणिपुर में। 24 नवंबर 2022 को कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर दोस्तों।
25 नवंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों? महिलाओं महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों। 25 नवंबर 2022 को कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने दोस्तों? क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों। 25 नवंबर 2022 को FCCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? राजेंद्र पवार को। 25 नवंबर 2022 को AICTC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए दोस्तों? टी जी सीताराम। 25 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? उदयपुर। विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने कौन सा पदक जीता दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। 26 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर 2022 को दोस्तों। 26 नवंबर 2022 को घोषणा अनुसार गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे दोस्तों? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी दोस्तों। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस 26 नवंबर 2022 की घोषणा अनुसार गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे दोस्तों? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी दोस्तों। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया? राजगीर में दोस्तों। 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया दोस्तों? 74वां। 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया दोस्तों? 74वां। 27 नवंबर 2022 को 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में से किस फिल्म ने प्रसाद DI पुरस्कार जीता? बांग्लादेशी फिल्म आगंतुक दोस्तों। 28 नवंबर 2022 को किन दो देशों के बीच संयुक्त सेना अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 शुरू हुआ दोस्तों? भारत मलेशिया दोस्तों। 28 नवंबर 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया सेना अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? राजस्थान में। 28 नवंबर 2022 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? बांग्लादेश में। पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? वेटसी साबेज। ऑस्ट्रेलियाई को हरा कर पहला डेविस कप किसने जीता दोस्तों? कनाडा ने दोस्तों। ऑस्ट्रेलियाई को हरा कर पहला डेविस कप किसने जीता? कनाडा दोस्तों। 29 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? उत्तर प्रदेश दोस्तों। किस देश की स्टेफेंसी प्राफट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी दोस्तों? फ्रांस। सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण कहाँ स्थापित किया दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण कहाँ स्थापित हुआ? जम्मू कश्मीर दोस्तों। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? विष्णु त्रिपाठी को दोस्तों। पत्रकारिता में उत्कृष्ट के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? विष्णु त्रिपाठी दोस्तों। 30 नवंबर 2022 को ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बना दोस्तों? तमिलनाडु। 30 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? PT उषा दोस्तों। 30 नवंबर 2022 के घोषणा अनुसार द्विवार्षिक एयर शो एयरो इंडिया 2023 कहाँ से आयोजित किया गया दोस्तों? बेंगलुरु से। 30 नवंबर 2022 के घोषणा अनुसार द्विवार्षिक एयर शो एयर इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? बेंगलुरु में।
दोस्तों वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। नवंबर महीना का करंट अफेयर समाप्त कर दिया गया दोस्तों। आप भाई बहन जो सीजीएल दीजिएगा, बिहार सीजीएल दोस्तों, आप बीपीएससी 68 में जो भरिएगा और बिहार दरोगा के लिए जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और जिस चीज़ में करंट आता है दोस्तों, जो भी एग्जाम है, अदर्स एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। मंथली वाइज करंट अफेयर्स इस पर एग्जाम्पल 91 पे दोस्तों अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग कृपया वीडियो को एक से दो बार रिविजन के तौर पर देखिए और दिमाग में फिट कीजिए। और वीडियो मेरा अगर पसंद आता है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद दोस्तों।